नमस्कार, मैं अंबी वर्मा और आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज नेशनल। तो चलिए आज की कुछ खास खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान देवघर देवीपुर एम्स में लिंक फेल, मरीजों की भीड़ बेकाबू, कतार में गश खाकर बेहोश हुई महिला। 300 चिकित्सकों की लगी है ड्यूटी, फिर भी मरीजों को मिलने में लग जाते हैं 4 घंटे। हमारे जन नेताओं के कारण आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान देवघर देवीपुर एम्स की जगह साई हो रही है। एम्स की शुरुआत की खबरों को जिस तरह से दिखाया गया, उस तरह अब लोग वहां पर अपना इलाज करवाने के लिए पहुंच रहे हैं। मरीज भागलपुर, गोंडा, बंगाल से भी यहां पहुंच रहे हैं, लेकिन इलाज के नाम पर सिर्फ उन्हें परेशानी झेलनी पड़ती है। दरअसल देवीपुर में बनाए गए एम्स में चिकित्सा उपचार लेने के लिए आपको दिन भर का समय भी लग सकता है। एम्स में नंबर लगाने के लिए तड़के सुबह से ही मरीजों की कतार रजिस्ट्रेशन काउंटर पर लगनी शुरू हो जाती है। काफी लंबे लाइनों में घंटों कतार में खड़े रहने के बाद मरीजों की रजिस्ट्रेशन हो पाता है और इसके बाद वहां से चिकित्सा परीक्षण के लिए मरीजों को अलग अलग जगहों पर भेज दिया जाता है। इसके बाद मरीजों को चिकित्सक से मिलने के लिए वेटिंग रूम में घंटों इंतजार करना पड़ता है। कभी कभी आपको इस प्रक्रिया में दिन भर भी लग जाता है। कभी ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि आपको अपने सामान को खोकर नीचे जमीन पर बैठकर इलाज का इंतजार करना पड़ता है। घंटों आप टकटकी लगाए उस दरवाजे के पास बैठे रहते हैं जहां से सबका नंबर बुलाया जाता है। पूछने पर गार्ड द्वारा बताया जाता है कि यहां कुछ ऐसा ही सिस्टम चलता है। काफी घंटों इंतजार के बाद चिकित्सक से मुलाकात होती है और वो ऑपरेशन का सलाह देते हुए करीब 1 दर्जन जांच करने को कहता है। उन्हें क्या पता कि इसलिए सुबह से एक सीनियर सिटीजन बिना कुछ खाए अपने इंतजार में टकटकी लगाए घंटों बैठी थी। एक दिन गुजरने के बाद भी सिर्फ कागजी प्रक्रिया ही पूरी हो पाई थी। इसके बाद पुनः शुक्रवार को देवघर एम्स के आयुष विभाग पहुंचने के बाद पता चला कि मरीजों की जांच में अभी काफी देर होगी। जानकारी मिलने के बाद पता चला कि लिंक फेल हो गया है। लिंक फेल हो जाने के कारण सिस्टम पूरी तरह से काम नहीं कर रहा था। इधर सिस्टम ठप हो गया था, उधर मरीजों की संख्या में इजाफा होता गया। आधे से एक घंटे में करीब आयुष विभाग में मरीजों की भीड़ बेकाबू हो गई। इस बीच चितरंजन से इलाज कराने आई एक महिला जो जांच कराने के लिए कतारबद्ध थी, एकाएक गश खाकर वहीं पर गिर पड़ी। महिला को गिरते देख वहां मौजूद मरीज और मरीजों के परिजन द्वारा महिला को उठाया गया और पानी का छिड़काव किया गया, तब जाकर महिला होश में आई। इधर अगर आप आयुष विभाग में जांच कराने में कामयाब हो भी गए तब भी आपको अपने रिपोर्ट के लिए करीब 4 से 5 दिन का समय लगेगा। देवघर से अरविंद यादव की रिपोर्ट।